हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और फिल्म पठान का प्रमोशन भी स्टार्ट हो चुका है। कल के दिन फिल्म से एक पोस्टर आया था, तो वहीं आज वाइजेफ ने ट्वीट किया है और 3 नया फोटो भी दिखाया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसी ही पठान फिल्म के अपडेट के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, फिल्म पठान का इस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं फिल्म को देखने के लिए और आप जानते ही हैं फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। और आप ये भी जानते हो कि दिसंबर मंथ में पठान फिल्म का 2 गाना रिलीज होगा। तो वहीं दोस्तों, कल के दिन फिल्म का एक नया पोस्टर आया था। पोस्टर काफ़ी दमदार है, फैंस को पोस्टर काफ़ी पसंद भी आया है। पोस्टर में आप देख सकते हो दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम का लुक एकदम किलर वाला है। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर तो एकदम धांसू टाइप का है और पोस्टर काफ़ी खतरनाक है। तो वहीं दोस्तों, आज के दिन वाइजेफ ने ट्वीट किया है। ट्वीट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ट्वीट में लिखा है 8 कंट्री 3 सुपरस्टार 1 फिल्म पठान। फिल्म का शूटिंग हुआ है स्पेन, UAE, टर्की, रशिया, साइबेरिया, इटली, फ्रांस, इंडिया, अफगानिस्तान में। साथ ही साथ दोस्तों, ट्वीट में आप देख सकते हो, ट्वीट में लिखा है 3 सुपरस्टार। अब वो दोस्तों 3 सुपरस्टार कौन है? यहाँ पे शायद दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान और जॉन अब्राहम का बात हो सकता है, या फिर दोस्तों शाहरुख खान और सलमान खान और ऋतिक रोशन का भी बात हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे किसका बात हो रहा है ये तो वाइजेफ ही जानता होगा। बताना चाहेंगे, ये 3 फोटो आया है दोस्तों अभी ट्वीट से, जिसमें से दोस्तों पहला फोटो में शाहरुख खान बाइक उड़ाते नजर आ रहे हैं और दूसरा फोटो एफिल टावर का है और तीसरा फोटो में गाड़ी उड़ रहा है। बात करें दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में, तो आप पहले ही जानते हैं फिल्म का ट्रेलर जनवरी मंथ में रिलीज होगा। तो गाइज, आप कितने एक्साइटेड हो फिल्म को देखने के लिए, लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, आपको क्या लगता है वो 3 सुपरस्टार कौन होगा जिसका ट्वीट में बात हुआ है, लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।